समझ आई? जब अपने भीतर सारी बातें क्लियर होंगी कि वो करता क्या है, किस लिए उसने मुझे अपना बनाया है और किस लिए मैंने उसको अपना बनाया है। अंधविश्वास के लिए वो मेरा पिताजी नहीं है, बस मैं बेजाने बेसमझे उसके ऊपर छोड़ दूं बात को। समझ के छोड़, उसको सही रीति जान के तब हर परिस्थिति को उस पर छोड़कर मैं उसकी याद में बैठ जाऊं। परिस्थिति छोड़ देना और आप याद में ना बैठो तब भी कुछ नहीं होने वाला। आपको अपना पुरुषार्थ तो स्वयं करना ही पड़ेगा। मैंने प्रॉब्लम्स उसके हवाले की और मैं याद में बैठ गया। प्रॉब्लम्स क्या हैं? पास्ट के हुए हुए कोई विकर्म जो अब परिस्थिति बनके मेरे जीवन में आ रहे हैं। पास्ट में हुए हुए विकर्म जो अब परिस्थिति बनके मेरे जीवन में आ रहे हैं और उन परिस्थितियों से मुक्त होने का तरीका है मैंने तेरे हवाले किया। जो भी हुआ जाने अनजाने, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं इस परिस्थिति के पचड़े में नहीं पड़ सकता, इसका बोझ मैं नहीं उठा सकता। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हें याद कर सकता हूं, ये तो कर सकता हूं ना। या तो अपने को परिस्थिति के हवाले करूं या तुमको याद करूं। दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा, या तो व्यर्थ चिंतन या समर्थ। अपने आप को परिस्थिति के हवाले कर देना व्यर्थ चिंतन और उससे होने जाने कुछ भी नहीं, और अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना समर्थ चिंतन, जो मुझे बेहद की शक्तियों से, गुणों से और सामर्थ्यता से भर देगा। समर्थता आ जाएगी। विपरीत बुद्धि से प्रीत बुद्धि बन जाओगे। विपरीत बुद्धि का मतलब अभी तो परिस्थिति के कंट्रोल में बुद्धि है, अभी बुद्धि किसके कंट्रोल में है? परिस्थिति के कंट्रोल में। और फिर बुद्धि किसके कंट्रोल में हो जाएगी? परमात्म प्रीत के कंट्रोल में। समझ आई? विपरीत और प्रीत बुद्धि का मतलब समझ आया? परिस्थितियों के वश में है बुद्धि तो विपरीत बुद्धि है, और परिस्थिति से मुक्त परमात्मा के साथ में बुद्धि है तो क्या है? प्रीत बुद्धि। और विपरीत बुद्धि झंझावात की बुद्धि बन जाती है, दुखी परेशान चिड़चिड़ी बुद्धि बन जाती है विपरीत बुद्धि। और परमात्म प्रेम से भरी हुई बुद्धि सुलझी हुई बुद्धि, स्टेबल, फैसले ले सकती है,
परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकती है। प्रीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि में एक आस्था बैठ जाती है, आके दृढ़ता बैठ जाती है, संयम धैर्य बैठ जाता है प्रीत बुद्धि में। ये सब चाहिए मुझे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। गाड़ी में टूल्स रखते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो टूल से उसको ठीक कर लो। हर चीज गाड़ी में, पानी वानी, हवा, पेट्रोल, ये सब भर के रखते हो। इसी तरीके से जीवन को चलाने के लिए धैर्य, संयम, करुणा, दया, परमात्म प्रीत, ये सारे मेरे टूल्स हैं। इनको साथ में रखते हुए चाहे जीवन कैसा भी हो, आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए पूरी पूरी कोशिश करो, थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी पूरी कोशिश करो। मेरे अंदर जहां भी कहीं विपरीतता है, विपरीतता उलझन है, उलझन, जहां भी किसी रिश्ते में उलझन है, किसी परिस्थिति में उलझन है, किसी नौकरी में उलझन है, किसी बच्चे में उलझन है, किसी भी बात में उलझन है, वो विपरीत बुद्धि है। उस विपरीत बुद्धि को परमात्मा के साथ जुड़ के प्रीत बुद्धि बनाओ। समझ आई? और प्रीत बुद्धि ही सुलझी हुई बुद्धि बनेगी। विपरीत बुद्धि उलझी हुई बुद्धि बनेगी। अपने नियम, अपने कानून, अपने फैसले लेने वाली बुद्धि। नियम, कानून, फैसले लेने वाली बुद्धि, संयमित बुद्धि। और वो बनेगी परमात्म याद से। चलें? पूर्ण एकीकार हो जाए। मैं किसी भी बात में उलझने वाली नहीं हूं, सुनो मेरी बात। उसको बोल दो, मैं नहीं उलझने वाली किसी भी बात में, मुझे आपका संग, आपका साथ, संयम, धैर्य, ये सब चाहिए। ये सब मेरे बस का नहीं है, बोझ उठा के चलना। कह दो, ठीक है?